कोविड के दौरान स्वास्थ्य विभाग में लगाए गए एनएचएम के अस्थायी कर्मचारी को हटा दिया गया। ये कर्मचारी नागरिक अस्पताल में नियुक्त और निजी कंपनी के माध्यम से लगे थे। हटाए गए कर्मचारी नौकरी पर लगाए रखने और बहाल करने की मांग को लेकर सिविल अस्पताल में धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया। साथ ही निर्णय लिया कि अगर उनकी नौकरी बहाल नहीं करी तो बड़ा आंदोलन शुरू करते हुए प्रदेश स्तरीय आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। हमें जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस टाइम हमें भर्ती किया गया था और अब हमें 31 मार्च को एकदम से हटा दिया गया है। हमारे को ये कह दिया गया है कि भाई आप नौकरी से हटा दिए गए हो तो कल से आप ड्यूटी पे मत आना। तो मैं सरकार की घोर निंदा करती हूँ कि हमारे साथ बहुत ही बदसलूकी हुई है। जब कोरोना में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था उस टाइम हमने बिल्कुल अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर और देश की लोगों की सेवा की है और अब हमारे साथ बहुत ही ये सरकार ने शर्मनाक बात कर दी है और हमने बहुत लोगों की सेवा करी है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि भाई जल्द से जल्द हमारी नौकरी को बहाल किया जाए और नहीं तो सर्व कर्मचारी संघ हमारे साथ है और कल हम पंचकुला पहुंच रहे हैं उनके साथ ही। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो ये लंबा आंदोलन चलेगा, लेकिन हम हमारी नौकरी वापस लेकर रहेंगे जो कि हमारा अधिकार है।